स्वागत है आपका माइंड मेकर्स पर। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे नागालैंड में बने नए रेलवे स्टेशन को लेकर। नागालैंड में 119 वर्ष बाद शोखुवी में दूसरा रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया गया है। आपको बता दें, सन 1903 में नागालैंड के पहले रेलवे स्टेशन डीमापुर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार 26 अगस्त को नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने शोखुवी रेलवे स्टेशन से दोनई पोलो एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दी थी। ये ट्रेन आसाम के गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन रूट में चला करती थी। इस नए रेलवे स्टेशन के बन जाने से अब ये ट्रेन इस रूट में भी चला करेगी। इस रेल सेवा के शुरू हो जाने से नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश सीधे तौर पर कनेक्ट हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दिया है। मुख्यमंत्री ने रेलवे अधिकारियों को ये भी दिशा निर्देश दिया है कि डीमापुर रेलवे स्टेशन के विकास कार्य में तेजी लाकर इसकी सेवाओं को नागालैंड के अलावा मणिपुर और असम से सटे सभी जिलों में मुहैया कराई जाए। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के जनरल मैनेजर अंशुल गुप्ता ने कहा है कि भारतीय रेलवे के लिए एक बेहद ही गर्व की बात है कि भारतीय रेलवे और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे भारत के उत्तरी पूर्व राज्यों को रेल सेवा से जोड़ने में काफी अहम योगदान दे रहा है। आपको बता दें, आसाम के धनश्री से कोहिमा के जुब्जा तक के रूट को जोड़ने के लिए 90 किलोमीटर लंबे रेलवे लाइन की नींव वर्ष 2016 में रखी गई थी। हालांकि इसका डेडलाइन 2020 से बढ़ाकर 2024 कर दिया गया है। भारतीय रेल का लगातार विस्तार लोगों के जीवन में काफी मायने रखता है, फिर चाहे ये विस्तार देश के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। हालांकि इस नए रेलवे स्टेशन के बन जाने के बाद से इस क्षेत्र में कई विकास देखने को मिलेंगे, फिर चाहे रोजगार को लेकर हो या फिर पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।